न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा इस उपर असी पहला भी वीडियो लेके आए से, उस तो बाद स्टूडेंट्स के ढेर सारे सवाल साढ़े को आ ही रहे हैं। सो अज एक बार फिर तो असी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा ते गल करन जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स कमिंग इनटेक का फायदा ले सकन, अपने लिए चंगी ऑप्शन उपर अगे वधदे हुए प्रोसैस शुरू करन। सही प्रोसैस के नाल अगे वधना सब तो ज़्यादा जरूरी है, इसलिए अज तुहानू न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा नू लैके कई गल्लां सांझियां करांगे ताकि तुसीं सही रस्ते तुरदे हुए अपना प्रोसैस कंप्लीट करो ते वीज़ा हासिल कर सको। स्वागत है जी सारे दा, मैं हाँ हरजोत कौर, और न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा नू लैके बहुत खास पॉइंट्स तुहाडे नाल अज सांझे करन जा रहे ने नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारिआं नू जी। सो स्टूडेंट्स सारे ही जानते हैं कि मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है। सो मैं हर वारी जो गल करती हाँ, मैम बहुत चंगे प्रोग्राम्स हमेशा लभते रहते हैं स्टूडेंट्स लिए, न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा लैके भी मैम स्टूडेंट्स अक्सर गाइड करते रहते हैं। सो मैम अज एक बार फिर तो आप जब न्यूजीलैंड की गल कर जा रहे हैं, सब तो पहला मैं थोड़े तो यही जानना चाहूँगी किहड़े ओ पॉइंट्स ने जिहड़े न्यूजीलैंड खास बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। केड़े पॉइंट्स हैं हरजो, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे इदा के पॉइंट है जोड़े न्यूजीलैंड खास बनाते हैं। न्यूजीलैंड का जोड़ा क्लाइमेट है बहुत अच्छा क्लाइमेट है। न्यूजीलैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सोहनी जगह है जिदे वास्ते टूरिस्ट इन्ना पैसा खर्च करके जाता है। वो तो पढ़ाई के दौरान जोड़ा एक टाइम मिल रहा है वो कंट्री देखने का, एक्सप्लोर करन दा। स्पाउस वीज़ा अलाउड है, फैमिली नाल जा सकती है चाहे बच्चे हों तुहाडे। फीस वीज़ा दे बाद है, मेरे ख्याल इन्ने सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता मैं कुछ पॉइंट्स भूल भी रही हूँ जी, बट दीज आर सो मैनी ब्यूटीफुल पॉइंट्स, लाइक जेडे पॉइंट्स इन्ने सोहने हैं कि जब बच्चा आप न्यूजीलैंड देख लेगा ना, क्योंकि सानू ये भी फैसिलिटी होंदी है स्कूल्स दी तरफ तो एक्सचेंज प्रोग्राम दी। जब बच्चे स्कूल च होंदे असीं 3 वीक दा 4 वीक दा जिहड़ा टूर बना के बच्चों कंट्री घुमा सकते हैं। फ्यूचर च ये कोशिश होएगी कि असीं स्कूल दे बच्चों लैके जाइए। ठीक है, इन्ना एक सोहना मतलब कंट्री है, और आपां इत्थे बच्चों पाने हिल स्टेशनस ते, इस करके कि एक अच्छे माहौल च बच्चे की पढ़ाई होए, अच्छा उन्हों मौसम मिले पढ़ाई च, जब मौसम अच्छा होएगा तो पढ़ाई च भी दिल लगेगा। ये तुसे पूछा सीगा कि गल्लां अट्रैक्ट कर दी हैं, हुण जे आपां गल करिए कि केड़े बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। इस टाइम जो सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सारा बच्चा जेड़ा है ना वो पिछे पिया हुआ आस्ट्रेलिया दे, और आस्ट्रेलिया बहुत चूजी है, आर्ट्स दे बच्चे नहीं लेने, पंजाब हरियाणा बोर्ड दे नहीं लेने, स्टेट बोर्ड से मतलब CBSE वाला बच्चा लेना, 70% वाले नू लेना है, रिजेक्शन बहुत आई हैं, ये बच्चे कित्थे जाण। जेड़ा बच्चा रिफ्यूज़ हो गया या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो बिल्कुल नाल दा कंट्री है आस्ट्रेलिया दे न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया तुहाडी फीस पहले जा रही है, न्यूजीलैंड फीस भी बाद च जा रही है, खाली एक PCC पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एंड मेडिकल दे के फंड शो करने हैं 1 ईयर दे 30 to 35 डिपेंड ऑन द कोर्स, 6 महीने पुराने होने चाहिए, अदरवाइज तुसी 100% एजुकेशन लोन भी लै सकते हो। तो जो तुहाडा मतलब ये सारा अरेंजमेंट हो जाता है, 10 लाख तो उपर असी इनकम सजेस्ट करते हैं, तो तुसी न्यूजीलैंड फस्ट प्रेफरेंस रखो। मैं कहनी उन्हें सैकेंड प्रेफरेंस नहीं, फस्ट प्रेफरेंस रखो। 2 साल के गैप तक तो प्लस टू के बाद पुछते ही नहीं, जबकि आस्ट्रेलिया 1 ईयर के बाद लेंदे ही नहीं, और 1 ईयर के विच भी ये बच्चा नहीं लैना, ये बच्चा नहीं लैना, इन्नी छाटी चल रही है बच्चों की कि जिन्ना फाइलों उन्होंने को बहुत जा रही, वह भी की करन, इन्नी उन्होंने कैपैसिटी नहीं है जिन्नी फाइलों जा रही, तो वह फिर अपने हिसाब न बच्चा लै रहे हैं। हुण समझो बच्चा एक बहुत इंटैलीजेंट है लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम है या वो इनकम घट है, वह भी फिर अगे फस जाता है। ये सारे बच्चे न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं, फीस इन दी बड़ी कंपेयर कर सकते हैं आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ एंड जड़ा तुहाडे ईवन उत्थे डिप्लोमास भी है, जबकि आस्ट्रेलिया विच डिप्लोमे विच वीज़ा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड दे विच डिप्लोमे च वीज़ा है, बैचलर है, मास्टर्स है, मास्टर 1.5 साल की है,
और 3 ईयर्स का तुम्हें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। फिर आ जाती है गल जी है थोड़ी ग्रीन लिस्ट की। नॉन मेडिकल वाले बच्चों वास्ते बहुत अच्छा है कि ग्रीन लिस्ट के इंजीनियरिंग के मैक्सिमम प्रोग्राम्स है, कुछ IT के प्रोग्राम्स है, कुछ हेल्थ के प्रोग्राम्स है। ये प्रोग्राम सारे ग्रीन लिस्ट का मतलब उन्हें जॉब सर्च वीज़ा लंबा मिल रहा और परमानेंट रेजिडेंसी की जिहड़ी फैसिलिटी मिल रही है। मैं शायद एक पॉइंट तुहानू कहना भुल गई सी जब आपां गल कर रहे सी किहड़े अच्छे पॉइंट है राइट। उहदे विच न्यूजीलैंड एक इहो जिहा कंट्री है जिहनूं कि तुसीं कहिंदे हो कि मैं इत्थे सैटल होना चाहुंदा, मेरी जब पढ़ाई खत्म हो गई तो उहदे बाद मैनूं जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा और मैनूं जॉब मिल गई मैं PR अपलाई कर सकदा, दे आर मोर दैन हैप्पी। वो ये नहीं कहते कि झूठ बोलो कि तुसीं अपनी कंट्री वापस जाना है, क्योंकि किन्ना बच्चा जिहड़ा कैनेडा जा रहा, आस्ट्रेलिया जा रहा, वापस आ रहा है। कोई भी कंट्री जिहड़ा जा रहा बच्चा वापस नहीं आ रहा है। जबकि उत्थों लिखते SOP विच कि मैं तो वापस आना है, इत्थे वो कहिंदे बी ऑनेस्ट, तुसीं रिप्लाई करो कि मैनूं इत्थे PR मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आई विल सैटल देयर। तो तुसीं देखो कि हर चीज़ वो ऑनेस्टी नाल चल रहे हैं। तो स्टूडेंट नू गैप दे नाल जस्टिफिकेशन SOP दे विच दो, अपनी ITR दिखाओ, अपने फंड दिखाओ, फंड नहीं है लोन दिखा लो एंड यू कैन अप्लाई। हुण मैं तुहानूं गल करूँगी आर्ट्स वाले बच्चों वास्ते। ट्रैवल टूरिज्म का एक कोर्स है जिहदे विच बच्चा कहेगा कि हॉस्पिटैलिटी का कोर्स ग्रीन लिस्ट नहीं है, बट हॉस्पिटैलिटी के कोर्स के नाल उन्हें जॉब इन्नी मिल जाती कि उन्होंने ग्रीन लिस्ट की लोड़ ही नहीं है। इमीडिएट जा किसी होटल च गया, उन्हें जॉब ऑफर मिल गई तो उन्होंने PR वो बेस पर ही मिल जानी है। इट्स नॉट कि तुसी जिहड़ा है कि ना अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का वेट करो, फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो मिल ही जाना है। जिहड़ा ग्रीन लिस्ट का PR के जिहड़े पॉइंट्स बनते हैं तो ये थोनों है इमीडिएटली जब जॉब मिल गई तो वो भी PR मिल जाती है। तो मेरे ख्याल आप हर सबजैक्ट ये कवर किया है बच्चों, कोई मर्जी सबजैक्ट हो। मैडिकल वाले बच्चों का हेल्थ के कुछ प्रोग्राम्स है, नॉन मैडिकल वाले बच्चों वास्ते जोड़े है ग्रीन लिस्ट के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा है। दैट मीनस उन्होंने किन्ने सारे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो ये सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स वाला बच्चा अपना एक अच्छे प्रोग्राम लै सकता है, तो इस हिसाब न वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं या जॉब मिल गई तो अपनी PR की पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं जी। सो अज आप जिवें न्यूजीलैंड बारे गल की है, सो बहुत देखो एक चंगी ऑप्शन है स्टूडेंट्स लिए, जिवें मैम ने कहा इसनों सैकेंड प्रेफरेंस नहीं फस्ट प्रेफरेंस के तौर पर स्टूडेंट्स को जरूर देखना चाहिए। सो फीस जी आफ्टर वीज़ा है, यानी कि तुहानू घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने पैसों को लेकर। सो पूरी डिटेल भी जो बच्चे पैकेज से जाते ना कि साडा नुकसान ना हो, उन्होंने वास्ते सब तो अच्छी ऑप्शन है कि उन्होंने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। इतने तुम आप दे सिस्टम च आप खर्च कर रहे हो और वीज़े के बाद फीस दे रहे हो, इस करके मेरे ख्याल इस तो वधिया तुहानू ऑप्शन मिल भी नहीं सकता, कोई नुकसान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो हले भी स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट है, स्पेशली जे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तुम अपने लिए राइट ऑप्शन लभना चाहते हो, चाहे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ने, सो किवें तुम्हें भी अगे वधना है मैम ने हालांकि विच जिक्र जरूर किया, पर तुहाडी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली तुहाडे लिए की बेस्ट ऑप्शन रह सकती है, उसके लिए तुम जरूर जो नंबर डिस्प्लेज उपर कॉल कर सकते हो या फिर नैविगेटिव ओवरसीज ऑफिस आओ विजिट करो, तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके आयो ताकि असैसमेंट करके तुहाडे मार्क्स देखने तो बाद तुहानू सही ढंग नाल सही ऑप्शन दे लई गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम, बहुत चंगे ढंग नाल तुसीं आ चीज़ां जिहड़ियां न्यूजीलैंड नू लैके स्टूडेंट्स नू समझाइयां ने, ते आई होप स्टूडेंट्स लई अज दी वीडियो काफ़ी बेनीफिशियल रहने वाली है। कोई होर सवाल ने साडे नाल डिस्कस करना चाहुंदे हो तो जरूर तुसीं कमेंट सैक्शन विच वी साडे नाल सांझे कर सकदे हो। अगो वी असीं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे, अज लई सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।